नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के प्रचार में जुट गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश में मोदी के खिलाफ अंडरकरंट का माहौल है, जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रही है। गहलोत ने कहा कि मतदान का वोट प्रतिशत बढ़ना भी कांग्रेस के पक्ष में जाता है, क्योंकि जनता मोदी के 5 साल के कार्यकाल से तंग आकर वोट कर रही है। पीएम मोदी पर गहलोत ने हमला बोला और कहा कि मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी जी से सच बुलवाना असंभव काम है। अनिल जी, एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सीधा सीधा, जो काफी समय से मोदी जी को लेकर हमला कर रहे हैं, आज एक बार फिर वो उग्र हुए हैं। आज उन्होंने खुलकर हमला बोला, 40 सवाल रख दिए, इनके जवाब दो जी। जो वादे उन्होंने पिछले चुनाव में किए थे उनको लेकर ज़्यादातर सवाल हैं, या बीजेपी की जो पॉलिसी रही है समान आचार संहिता, धारा 370, इनको ये हो गया क्या, जवाब मांगे उन्होंने जी। आज वाला हमला अब तक का सबसे ताकतवर हमला और सबसे खुला हमला है, और ऐसा लगता है कांग्रेस तरफ से अशोक गहलोत ही मोर्चा संभाल रहे हैं, मतलब देश के स्तर पर जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, या तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो तो नेता है पार्टी के, लेकिन बाकी जो जितने बयान या भाषण आ रहे हैं जी, उनमें आज वाली गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, बल्कि जहां जहां उन्होंने भाषण दिए वहां भी उन्होंने लॉजिकल और खुलकर हमला बोला है। तो ये एक बात है कि कांग्रेस तरफ से, वो चूंकि नेशनल राष्ट्रीय संगठन महासचिव रह चुके हैं, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर के पटल पर रह चुके हैं जी, तो वो मोर्चा ले रहे हैं मोदी से, ये साफ दिखने में आ रहा है। तो आज के उनके सवाल बहुत खुले सवाल हैं और बहुत सारी बातों पे उन्होंने ऐसा जवाब मांगा जिसका जवाब शायद भाजपा दे नहीं पाए जी। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बार बार राहुल गांधी की नागरिकता की बात करते हैं, बौखला सी गई है भाजपा। इसीलिए उन्होंने 40 सवालों की फहरिस्त रखी है कि अगर आपको जनता के सामने बात करनी है तो इन सवालों के जवाब दीजिए जी। उन्होंने, खैर स्ट्रेटेजिकल मूव है ये अशोक गहलोत का, और रणनीतिक मूव है। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि हम देशभक्त नहीं है क्या जी, देशभक्ति मतलब एक तरह से सामने वालों ने कर रखा है कि हमको वोट देना देशभक्ति है, उसके जवाब में उन्होंने पूछा है कि हम देशभक्त नहीं है क्या, और ये कर दिया कि आपने, वो कर दिया क्या। आज उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के साथ कैसे संबंध है, भूटान के साथ कैसे संबंध है देश के, क्या क्या उपलब्धि है उनकी, चीन थरथर कांप गया क्या आपके आने से, वगैरह वगैरह कई सवाल किए उन्होंने जनता के सामने, कोशिश की है प्रधानमंत्री को। उन्होंने जो सबसे लॉजिकल बात कही जी, पहले सेंटेंस में शुरू में, कि मैं एक चुनावा मुख्यमंत्री हूँ प्रदेश का और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है मोदी जी। मुझ पर उन्होंने आरोप लगाया कि मैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहा हूँ जी, बोल किसी चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को चुने हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कहना शोभाजनक नहीं है, मैं भी जनता को रिप्रेजेंट करता हूँ, भारत की जनता को या प्रदेश की जनता को। ये उन्होंने, जिसका जिक्र नहीं है कहीं भी सवालों में इनमें, लेकिन ये जो उन्होंने शुरुआत की ना, इस शुरुआत में उन्होंने अपना मर्म भी दर्शाया है और दर्द भी दर्शाया है, और एक सवाल भी पूछा है कि हम कैसे देशभक्त नहीं है जी। तो ये उनका आज वाला हमला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हमला है, और जो कि सेकेंड राउंड राजस्थान में होना है 6 मई को 12 सीटों पर, और इस दृष्टि से आज की घटना एक प्रमुख ये भी है कि वैभव गहलोत ने भी आज जोधपुर से बाहर आकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। आज वो सीकर में थे, शेखावटी में उन्होंने इंडिपेंडेंटली जनसभाओं को संबोधित किया है, तो भी एक प्रदेश के नेता के रूप में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है जी। ये एक नई बात है कांग्रेस में, और अशोक गहलोत अलग प्रचार कर रहे हैं, वैभव गहलोत अलग प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट अलग प्रचार कर रहे हैं जी। तो इस तरह ये अब इन 12 सीटों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ इन 12 सीटों में बहुत डिफरेंट करेक्टर की सीट्स हैं पिछली 13 सीटों के मुकाबले। 13 सीटों पर मतदान जो हुआ उनके नतीजे जब आएंगे आप देखेंगे, 13 सीटों पर मतदान के नतीजे एक तरफ जाएंगे तो इन 12 सीटों के नतीजे दूसरी तरफ जाते हुए नजर आएंगे।